न्यूज़लीक नामक न्यूज़ वेबसाइट के संस्थापक और प्रधान संस्थापक प्रबीर पुरकायस्था को गिरफ्तार करने और इस वेबसाइट से जुड़े अन्य पत्रकारों के घर पर दिल्ली पुलिस और ईडी के छापों के विरोध में कांग्रेस आज संपूर्ण देश में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की मुरादाबाद जिला और महानगर इकाई ने संयुक्त रूप से दिल्ली पुलिस और ईडी की कार्रवाई को भाजपा की केंद्रीय सरकार के इशारे पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या बताते हुए कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्रीय सरकार किसी भी दशा में अपनी कमियों और बुराई को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है और जब कोई मीडिया संस्थान या पत्रकार उनकी कमियों को उजागर करता है तो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनको डराने धमकाने और परेशान करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि इस प्रकरण में महामहिम राष्ट्रपति यथाशीघ्र हस्तक्षेप कर इस कार्यवाही को बंद कराएं ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज बरकरार रहे। पहले तो हम जनता के साथ थी, किसी देश के साथ थी, अब परिस्थितियां जो है अब वो ये हो गई है कि अब पत्रकारों के साथ शुरू हो गई है, कलाकारों के साथ शुरू हो गई है, तो संयुक्त रूप से आपसे दिया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और पूरे राष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में ये ज्ञापन समस्त जिलों पर जिलाध्यक्षों के माध्यम से और शहर अध्यक्ष के माध्यम से दिए जा रहे हैं। हमारा ये ज्ञापन जिला महानगर कांग्रेस का संयुक्त रूप से था। इस ज्ञापन का मेन मकसद जो था, जो पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जो दिल्ली में पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी जारी हुए है और अन्य पत्रकारों के खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कोई अपनी जबान खोलने की इजाज़त नहीं है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब का शासन हो गया है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अजीब व गरीब स्थिति देश की होने जा रही है और ये किस लेवल पे खड़े हैं कि पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे, किसी को नहीं बख्श रहे, कलाकारों को नहीं बख्श रहे, राजनेताओं को नहीं बख्श रहे, सबके यहाँ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। उसके खिलाफ़ हमने महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से और उसी में ये हमारा आज कार्यक्रम था। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।